हेलो फ्रेंड्स, सेवन एलिमेंट्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राहुल आज एक नया वीडियो लेके आप सभी लोगों का पास में हाजिर हुआ हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा और बोलूंगा साथ में मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। तो मेरा पहला जो बात है, जो टॉपिक है, जो आपको मॉड्यूलर किचन बनाना है, राइट। तो मेरा एकदम फास्ट स्टेप, मॉड्यूलर किचन अगर बनाना है, मतलब किचन आपको अगर बनाना है तो किचन का रूम पूरा वैकेंट होना चाहिए। एक रूम समझ लीजिए 10x10, इसमें आपका किचन भी रहेगा, फ्रिज वगैरह रहेगा, आपका डाइनिंग टेबल भी रहेगा। उस हिसाब से आपको पहले ही कोई एक इंटीरियर डिजाइनर या इधर कोई आर्किटेक्ट से डिस्कस कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि लेआउट क्या होगा, नहीं होगा, प्लान वगैरह सब कुछ उसमें। तो अभी आदमी लोग क्या करते हैं, 90% क्लाइंट क्या करता है, उनको मॉड्यूलर किचन बनाना है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या 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 करेगा, यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो देखेगा। आप लोग वो जो करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पिक्चर वगैरह सब खींच के रखने के बाद कोई एक आप लोगों कारपेंटर को बुला के उसको डिजाइन दिखा के आप बोलिएगा, ये भाई हो सकता है, वो बोल देगा हाँ। लेकिन ऐसे तो भैया किचन नहीं बनता है। लेकिन अगर बढ़िया मिस्त्री हो तो बना लेगा, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट जो आपको सजेस्ट करेगा, जैसे बनाने बोलेगा, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेंबर की, उस हिसाब से बास्केट लगाया जाएगा। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से बास्केट, स्टोरेज, अपर स्टोरेज, ये सब बनाया जाएगा। ऐसे ही बनता है ओरिजिनली बात, क्योंकि आप लोग जो किचन देख रहे नेट पे, ये सब कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर का ही मैक्सिमम किचन वगैरह दिया हुआ रहता है, पिक्चर बोलिए और वीडियो बोलिए, मैक्सिमम ही। तो वो लोग का किचन देख के आपको पसंद आता है तो आप सोचते हैं भाई ये तो मेरा बजट से फेल हो जाएगा, तो चलो एक कारपेंटर बगल वाला पाड़ा से व खुद का पाड़ा से एक कारपेंटर बुला लेते, इसको दे के काम करवा लेता है। लेकिन भैया ये एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि देखिए इसमें लॉस आपका ही है। पहला बात, मटेरियल्स तो वो लोगों को नॉलेज उतना नहीं रहता है। अगर बढ़िया कारपेंटर हो, मैं किसी को छोटा नहीं बोलना चाहता है मेरा वीडियो पे, अगर बढ़िया कारपेंटर हो इट्स ओके, लेकिन बढ़िया कारपेंटर को जांच कौन करेगा, कोई डिजाइनर इधर आर्किटेक्ट ही करेगा ना। आपको तो नहीं मालूम चलेगा जी भाई ये बढ़िया कारपेंटर एकदम प्रोफेशनली काम करता है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, आपको अगर किचन बनाना है, एकदम वैकेंट हो रूम, स्लैब भी मत डालिए, तो कोई इंटीरियर डिजाइनर आइदर आप आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करिए, कोई भी। अभी किचन का सेकेंड स्टेप देखिए, किचन का अगर स्लैब आपका बन चुका है तो आपको रिक्वायरमेंट का हिसाब से बास्केट बोलिए, स्टोरेज बोलिए, ये सब बनाना चाहिए। और मटेरियल्स का बात करें, मटेरियल्स आपका कौन सा प्लाई लगाने से बढ़िया रहेगा, हाँ WPC बोर्ड लगाइएगा या आपका प्लाई बोर्ड लगाइएगा, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से सर्च करके ही आपको मटेरियल्स खरीदना है। क्योंकि मटेरियल्स पे अगर आप लोग ये करिएगा, मतलब कम दामी वाला मटेरियल्स, चीपेस्ट मटेरियल्स अगर आप सोचिएगा इधर लगाने के लिए, तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि 5-6 साल बाद वो किचन आपको तोड़ना ही है, तोड़ के फिर नया बनाना है। तो मटेरियल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पहला बात। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बास्केट जाली, आप एज पर योर बजट आपको टेंडम लगाना है, आपको जाली बास्केट लगाना है, ये आपको देख लेना है आपका बजट का हिसाब से। और उसमें भी क्वालिटी है, बहुत तरीका सा क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी आपको चेक कर लेना है। चैनल जैसे SSK लगाना है, हैंडल भी एक मैटर है, कलर कॉम्बिनेशन एक मैटर है, तो बहुत सारा चीज़ एक मॉड्यूलर किचन पे मैटर करता है। तो सबसे बेटर है जो किचन अगर बनाइएगा एकदम फास्ट स्टेप पे, आप इंटीरियर और आर्किटेक्ट से कॉन्टैक्ट करके आपका किचन का पूरा डिस्कशन करके, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए, ये सब डिस्कस करके ही काम करिए। तो ये देखिए, ये वाला मेरा काम था सिक्किम का, तो पार्टी का रिक्वायरमेंट का वाइज हम लोग ये वाला काम किए थे। यहाँ पे हम लोग 6 पीस बास्केट दिए, स्टोरेज दिए 2-3 ठो, फिर ब्लाइंड्स लगा दिए, क्योंकि उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं था, एकदम मिनिमम बजट था, जितना मिनिमम पे कर सकते हम लोग किए वाला काम। 3 ठो विंडो पे हम लोग ब्लाइंड्स लगा दिए, फिर यहाँ पे आपका एक स्टोरेज बना दिए, आपका बेसिन स्टोरेज बना दिए यहाँ पे,
और एक किचन था आपका यू शेप पे, ये वाला किचन हम लोग बनाए थे। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, अगर कोई भी हेल्प चाहिए आप बेझिझक हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इतना ही, बाय फ्रेंड्स।